हर स्कूल में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय जानवर या राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। अगर मैं भी आपसे एक सवाल पूछूं कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो जवाब होगा कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, हॉकी, हॉकी, कबड्डी, कबड्डी। आई डोंट नो। क्या वाकई में भारत देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? आज के जिम्मेदार कौन के इस एपिसोड में ना केवल हम आपको ये बताएंगे कि भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि आधी अधूरी जानकारी कितनी हानिकारक हो सकती है। नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे जिम्मेदार कौन। एक राष्ट्रीय खेल किसी भी देश की संस्कृति की परिचयों में से एक है और सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पे अगर आप सुमो रेसलिंग के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में जापान आएगा, ठीक वैसे ही जैसे फुटबॉल के लिए फ्रांस और क्रिकेट के लिए इंग्लैंड। और ये सभी खेल इन राष्ट्र के राष्ट्रीय खेल भी हैं, पर भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि भारत देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जो कि हकीकत नहीं है। हॉकी ऐतिहासिक रूप से प्रासंगिक होने के कारण लंबे समय तक सरकार को छोड़कर सभी द्वारा भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी हमारे भारत देश में इतना ज्यादा खेला जाता है और लोगों को इतना पसंद है, इसीलिए शायद लोगों के अंदर ये धारणाएं बन चुकी है कि ये हमारे राष्ट्रीय खेल हैं, पर ये हकीकत नहीं है। सरकार द्वारा किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है और वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारा देश किसी एक खेल को बढ़ावा दे, इसीलिए सारे खेल को एक सी ही मान्यता दी गई है। 2020 में एक स्कूल टीचर जो कि धुले महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने एक आरटीआई फाइल की और उन्होंने आरटीआई में ये सवाल किया, क्या भारत देश का नेशनल गेम यानी कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है? तो सरकार द्वारा जवाब था, सरकार ने किसी भी खेल को देश का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य सभी लोकप्रिय खेल विधाओं को प्रोत्साहित प्रचार करना है। बात स्पष्ट है कि भारत देश का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, तो क्या प्रश्न ये खड़ा होना चाहिए कि भारत देश का राष्ट्रीय खेल क्यों नहीं है? जी नहीं, विषय ये होना चाहिए कि आखिर हम सदियों से आधी अधूरी जानकारी पे ही क्यों निर्भर रहते हैं, जबकि आज हमारे भारत देश में टेक्नोलॉजी का भरमार है, जानकारी हम कुछ चंद सेकंड में पा सकते हैं, गूगल के थ्रू लोगों से बातचीत करके हर चीज आज इतनी आसानी से उपलब्ध है, पर कौन जहमत उठाए और ये जानकारी प्राप्त करे कि जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं। अंजाम चाहे उसके बाद कुछ भी हो, पर उस समय अपना कुतर्क करना ही हम बेहतर समझते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी कि आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप गूगल पे जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए कि क्यों हम सदियों से भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को मानते आ रहे हैं, और ये भी बताइए कि आखिर ऐसी गलत जानकारी के लिए जिम्मेदार कौन। नमस्कार।